सो गाइज आज की वीडियो गेम स्पेशल होने वाला है गाइज, क्योंकि ये सारे जितने हो सके आप उसको शेयर करो, क्योंकि गाइज मतलब ये मेरा गेम प्ले नहीं है, रूक एफ एफ का गेम प्ले, अगर जो आप उसको जानते होगे गाइज तो गाइज ये गेम प्ले के ऊपर दौर मत देना, है मेरा है नहीं। तो गाइज मुझे आपको एक स्पेशली बात बतानी है कि गाइज अभी ट्रेंड चल रहा है कि गाइज फ्री फायर बैन गाइज, यार क्या फ्री फायर बैन गाइज यार, ये सारे लोग जो हो रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें ऑडियंस की वजह से हो रही है। तो गाइज आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे अपडेट्स देखे कि गाइज एक बच्चे ने अपने माँ बाप के पैसे चोरी कर लिए, 5,000 10,000 जितने भी हो, कॉस्ट हर बार अलग अलग थी, लेकिन यार ये सारी की सारी फेक भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है गाइज, वो हमें नहीं पता। लेकिन यार आप लोग चोरी करते क्यों हो गाइज, मतलब टॉपअप ही हर एक चीज़ नहीं है गाइज, जैसे कि आपका फ्रेंड अगर जो आपको दे रहा है तो आप उसे 2-3 बार मना करो कि नहीं गाइज, मतलब नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, मेरा गेम प्ले अच्छा है, मुझे गाइज टॉपअप के बिना कुछ और भी चलेगा गाइज, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, मतलब तू सिर्फ हम दोनों फ्रेंड्स है वही बराबर है गाइज, किसी से आपको टॉपअप मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर जो आपको टॉपअप करना है तो यार पूछ के करो। और गाइज जो फ्री फायर बैन है गाइज, फ्री फायर का सबसे मेन रीज़न है गाइज, ये लोग ऐसा यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि गाइज मतलब सारे लोग चोरी करके पैसे ले रहे, वो सबसे मेन रीज़न है फ्री फायर का। नहीं गाइज ये सबसे मेन रीज़न नहीं है गाइज, देखो इस पे चोरी करके जो पैसे ले रहे हैं वो फ्री फायर में टॉपअप करने के लिए दे रहे हैं। फ्री फायर तो आप सबको फोर्स करती नहीं है कि आप लोग ज़बरदस्ती टॉपअप करो, नहीं तो हम आपकी आईडी बैन कर देंगे और ये सब कर देंगे, क्योंकि तो आपको टॉपअप करने की ज़रूरत क्या है गाइज, मतलब आप लोग कुछ चाहिए तो गाइज मतलब आपको गिव अवे जीतो ऐसा कुछ करो तो गाइज मतलब थोड़ा सा प्राउड फील होगा, नहीं तो अगर जो आपके घर के पैसे उड़ोगे तो गाइज आपके लिए ही है गाइज, आपके माँ बाप आपके लिए अगर जो यूज़ कर रहे हैं तो गाइज मतलब ये गेम है गाइज, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, इसका हाइप क्रिएट मत करो, ऐसा सिंपल सी बात है। फ्री फायर कोई बैन नहीं होने वाली है, मतलब अगर जो ऐसे ही केसेस आते रहे तो फ्री फायर से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दे देता हूँ, अगर जो आप एक चॉकलेट लेने के लिए जा रहे हो, आपने बचपन में ऐसा 1-2 बार तो किया होगा कि घर से 1-2 रुपए की चॉकलेट ले गए, मतलब 1-2 रुपए पैसे ले गए विदाउट मम्मी से पूछे बगैर या फिर पूछ के गाइज ले गए, अगर जो पूछे बिना तो गाइज ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट चॉकलेट्स को बैन कर देगी, ऐसा तो है नहीं गाइज, वो तो हमारी मर्जी है हम लोग ये चॉकलेट्स को खरीदे या फिर नहीं, वो तो हमारे हाथ में है और पैसे भी हमारे, तो गाइज मतलब लेने में क्या जाता है। और ये गेम है गाइज, रियल डायमंड होते तो अभी कोई सारे लोग ले लेते हैं, और रियल डायमंड तो गाइज मतलब ये कहाँ पे मैं पहुँच गया गाइज, मतलब मेरा मेन टॉपिक है कि यार फ्री फायर बैन गाइज, फ्री फायर बिल्कुल बैन नहीं होने वाली है, आप लोग टेंशन मत लो यार, ऐसा मत समझना कि ये सारे केसेस की वजह से, यानी कि एक बच्चे ने उड़ाया अपने माँ बाप के 1,000 2,000 3,000 रुपये जितने भी अमाउंट 10,000 रुपये, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं गाइज आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियोज़ देखे होंगे कि जिसमें एक यूट्यूबर के ऊपर डायमंड्स के लिए हमला किया गया, गाइज मानता हूँ ये सारी फेक भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी फेक है, मान लो ये रियल है, लेकिन यार वो फ्री फायर तो सबको घर पे जाके बोल नहीं सकती कि अगर जो आपने टॉपअप किया तो मैं आपकी आईडी बैन कर दूंगा, और या फिर टॉपअप नहीं किया तो मैं आपकी आईडी बैन कर दूंगा, दोनों की गाइस सेम ही संभावना है। तो गाइस आपको ऐसा कुछ भी टॉपअप वॉपअप ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, आप गेम हो सिर्फ एन्जॉय करो गाइज, ये माना कि ये फ्री फायर अभी पे टू विन गेम बन चुकी है, लेकिन यार ज़्यादा पैसे उड़ाना भी अच्छी बात नहीं है गाइज, मैं भी ज़्यादा कहाँ टॉपअप करता हूँ गाइज, मतलब मैं जितने भी अभी तक दिए मेरे फ्रेंड्स को, मतलब मेरे फ्रेंड ने दिए मैं उसको मना करता हूँ, लेकिन उसने बोला ले लेना तू मेरा फ्रेंड ही तो है, कहाँ हम लोग दुश्मन है, मतलब कहाँ हम लोग अनजानित है गाइज, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स के काम आता है। लेकिन गाइज मैंने उसको कितनी सारी बार मना करने के बाद भी उसने मेरे को दिया, तो गाइज मैं उसे मना नहीं किया, उसने मेरे को दे दिया और वीकली उसने मेरे को खरीद के दे दी। तो गाइज अभी मेरे अभी ऐसा तो है नहीं कि मैंने पैसे चोरी करके या फिर मेरे घर में मेरे फ्रेंड के घर पे गया और उसके घर से पैसे चुरा के लेके आया, मतलब चोरी करने, मतलब उसको बिना बताए चोरी का, मतलब आपको तो पता ही होगा। तो गाइस यार ऐसे बकवास से हाइप क्रिएट मत करो, कुछ फ्री फायर बैन नहीं होने वाली है, और ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए वीडियो था, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और गाइस आप लोग ज़्यादा टॉपअप पे ध्यान मत दो यार, अपनी स्किल्स दिखाओ यार, माना किए गए हम अभी पे टू विन बन चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको एक बार अभी बताया गाइस, यार पता है गाइस ये पे टू विन गेम बन चुकी है, लेकिन यार आपको ज़्यादा टॉपअप करने की भी क्या ज़रूरत है गाइस, मतलब आपको क्या एकदम से फ्री फायर ने आपको ऐसा कहा कि गाइस फटाफट टॉपअप करो 10,000 20,000 का तो ये हम लोग आपकी आईडी को रहेंगे, नहीं तो आपकी आईडी हम लोग जब ही सस्पेंड कर देंगे, ऐसा तो फ्री फायर ने आपको फोर्स किया नहीं है, आपके पैसे आपकी मर्जी आपकी ज़िंदगी। अगर मैंने आपको एग्जांपल के साथ भिजवा दिया चॉकलेट के वाले में कि गवर्नमेंट अभी चॉकलेट को तो बैन करने नहीं वाली है, मतलब कि अगर जो आप पैसे घर से चोरी करके ले जाते हो तो फ्री फायर मतलब गवर्नमेंट चॉकलेट्स को तो बैन करने नहीं वाली है, ऐसा ही है गाइस सेम इसमें, आप घर से पैसे चोरी करके जाते हो फ्री फायर आपको फोर्स नहीं कर रही है कि आप ये करो वो करो टॉपअप करो टॉपअप ये, माना फ्री फायर अभी मतलब इतनी अच्छी गेम भी है और उसमें कितनी सारी बुराई भी है, लेकिन यार जो पॉजिटिव थिंग्स है उसको कोई भी नहीं देख रहा गाइस। देखो हर एक मेरे को मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग किसी आदमी के ऊपर ऐसे देखते हैं कि सारे लोग सबसे पहले उसकी बुराई क्यों निकालते हैं,
गाइस अच्छाई भी तो देखो, जैसे कि आज मान लो अज्जू भाई खेलते हैं पीसी में, उसको कोई मतलब सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एमुलेटर में खेलता है, मतलब इसको फ़ोन में बिल्कुल खेलना नहीं आता। ऐसा नहीं होता है गाइस, आप लोग मेरी बात को समझो कि मतलब वो अपने प्रोफेशनल में कमाल करता है, यानी कि उसको आप अगर जो पीसी में आपको उसके साथ अगर जो उसके साथ आप लोग खेलोगे तो आप वही ऑब्वियस ही बात है वही जीत जाएगा, और आप अगर जो फ़ोन में खेलोगे उसके सामने तो आप जीत जाओगे, क्योंकि गाइस वो उनको फ़ोन में प्रैक्टिस नहीं है। हर एक बंदों का अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग लेवल होता है गाइस। जैसे कि आज मान लो राइस्टार को कोई भी पीसी में खेलने के लिए बोले, मतलब राइस्टार वर्सेस रूक एफएफ, और दोनों पीसी में खेलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इसमें रूक एफएफ जीत जाएगा, क्योंकि गाइस ये एक्सपीरियंस प्लेयर है। और अगर जो राइस्टार की सेम मामले में दोनों मोबाइल में खेल रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है राइस्टार जीत जाएगा। यानी कि गाइस मतलब हर एक बंदों में अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग सबके टैलेंट्स होते हैं, तो गाइस आपको टॉप अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे अगर जो आपके पास फ्री फायर के नेगेटिव पॉइंट्स है तो और पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, तो गाइस आप लोग पॉजिटिव पॉइंट्स को देखो ना, इतनी अच्छी गेम है। और हर एक गेम में यार लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, देखो यार ये जैसे कि बैटल रॉयल गेम है, बैटल रॉयल यानी कि जिसमें गन हो, ग्रेनेट हो, ग्लू वॉल, मतलब ग्लू वॉल तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तक आपके सामने कभी भी हुआ है कि गाइस आप आपके फ्रेंड के सामने 1v1 करते हो, बाद में अगर जो आप उसके सामने हार गए तो आपको उसकी रियल लाइफ में भी साथ उसके साथ 1v1 करोगे? गाइस ऐसा सीरियसली इस गेम कोई नहीं लेता, गाइस आप लोग भी मत लो और ज़्यादा टॉप अप के पीछे मत भागो। गाइस टॉप अप से कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आप जितने हो उतने ही आप खुश रहो गाइस, मतलब ज़्यादा लालच के पीछे नहीं जाना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाइस टॉप अप ही हर चीज़ नहीं है इसमें, मैं आपको सही से बता रहा हूँ, अगर जो आपने मतलब ज़्यादा अगर जो आप लोग टॉप अप करोगे तो यार क्या जाएगा, मतलब करो ही मत ना, मैं तो बोलता हूँ ये पे टू विन गेम है। लेकिन या फिर आप लोग बाद में BGMI खेलना चालू कर दो, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन यार घर से पैसे चोरी करके ये कुछ मतलब मेरे को ठीक नहीं लगा यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो गाइस मैं आपको कृपया करके कहता हूँ कि गाइस घर से चोरी करके हुए पैसे से कुछ भी मत लो, मतलब यार मैं कह रहा हूँ कि मतलब कुछ नहीं होने वाला है, फ्री फायर बैन बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो को हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक एम 10 लाइक एम फटाफट से कंप्लीट कर देना गाइस, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए प्लीज़ गाइस, तो मज़ा आ जाएगा। और गाइस यार मैं आपको बताऊँ, आलोक वाली ऑडियंस तो सबसे बकवास गाइस, जिसके पास आलोक है वो प्रो प्लेयर है माना गाइस फ्री फायर में। अभी जैसे कि जिसके पास अभी मेरी गेम में जैसे मानो हिप हॉप आ गया तो हम बोलोगे भाई भाई हिप हॉप आ गया, लेकिन किसी ने उसके गेम प्ले के ऊपर दौर किया ही नहीं। जैसे कि उस दिन मेरे गेम में ब्लू क्रिमिनल आया था, उसका गेम प्ले देखा था आपने, मतलब मैंने उसको मार दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो अच्छा नहीं खेल रहा है गाइस। देखो उसके पास कपड़े थे लेकिन स्किल्स नहीं थी। अभी तो मैंने कितने सारे बंदे देखे, सारे लोग सिर्फ कपड़ों से ही जज करते हैं। जैसे कि मान लो इसके हम लोग प्रेडेटर MP40 ले लेते हैं, वो ईवो MP40, तो गाइस इसके पास ईवो MP40 है, भाई 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 पक्का ये प्रो होगा गाइस। ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल फ्री फायर मतलब नॉर्मल गन स्किन से भी खेल सकते हो। तो गाइस यही था इस वीडियो का मोटिव गाइस, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय गाइस, लव यू ऑल। ऐसा कुछ भी मत समझना कि फ्री फायर बैन होने वाली है, बाय गाइस, लव यू ऑल।